इन 4 सालों में जो इस देश की स्थिति हुई है, चाहे वो महंगाई की हम बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर लें, या अन्य जो वादे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा जो किए गए, उन वादों को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जहां तक झारखंड दौरे की बात है माननीय प्रधानमंत्री का, तो यहाँ जब जब चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव ही क्यों न हो, तो किसी ना किसी बहाने वो इस राज्य में आते हैं और इस राज्य के जो चुनाव हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अंतिम वर्ष है, 4 वर्ष सरकार केंद्र की पूरी कर ली है और अगले वर्ष मई के महीने में चुनाव होगा। जो वादे और जो नारे देकर सरकार आई थी सत्ता में, पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी, वो जनता के साथ पूरी तरह से सरकार ने धोखा किया, विश्वासघात किया है। कुछ चीज़ें जो है, जो मूल रूप से जनता से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है।